हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के T20 मैच प्रेडिक्शन के बारे में। और अगर आप इस मैच में ग्रैंड लीग टीम बनाना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए टीम बनाने से पहले। जैसे कि ये मैच ओवल में होने वाला, तो ओवल की पिच रिपोर्ट कैसी है, बैट्समैन बॉलर्स किसको सपोर्ट करती है, और न्यूजीलैंड आयरलैंड का ओवल स्टेडियम में किस प्रकार से परफॉर्मेंस है टीम का, एंड हिट विद रिकॉर्ड्स कैसा है, टॉप डिसमिसल जैसे कि डेविन कॉनवे को यहाँ पे आयरलैंड की टीम के किस बॉलर्स ने आउट किया है, कितने बार आउट किया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये सारी जानकारी आपको टीम क्रिएट करने से पहले मिल जानी चाहिए, तभी आप टीम को सही बना पाएंगे। और जो कि मेरी टीम होगी ग्रैंड लीग की वो किस प्रकार से होंगे तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों सटीक जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जाइए और आप इस प्रकार से मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। एंड दोस्तों क्या करना है, आपको पिन का मैसेज मिलेगा, देख लीजिए, और इस प्रकार से अगर आता है तो समझ लीजिए कि मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है। आप क्या करना है, आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। लो कॉम्पिटिशन में खेलना चाहते हैं, आसान तरीके से जीतना चाहते हैं तो आप रियल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हर पोस्ट पर आपको लिंक मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको यानी कि लोकल मैच हो, चाहे T20 मैच हो, ODI मैच हो, सभी का जो कि यहाँ पे प्रेडिक्शन वीडियो इस चैनल पे मिलता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग मैच के डिस्क्रिप्शन की, और जो कि फिलहाल न्यूज़ की। तो ये मैच जो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का फिलहाल सुपर 12 का 37वां मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में। एंड ये मैच स्टार्ट कब होगा, 4 नवंबर 9:30 यानी कि मॉर्निंग टाइम में। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, तो 3 मैच अभी तक इन्होंने खेला है जिसमें 2 विन है 1 लॉस है। एंड जो परफॉर्मेंस करने वाले बॉलर्स या बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के रिसेंटली वाले 3 मैचेस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आयरलैंड की हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो 6 मैचेस टोटली खेले हैं अभी वर्ल्ड कप 2022 के, 3 विन है 3 लॉस है। और जो परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों अगर हम पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो फिलहाल ये जो है एडलेड ओवल में ग्राउंड में जो कि मैच होने वाला है, और ये पिच अगर फिलहाल देखते हैं किस प्रकार से मतलब जानकारी लेते हैं, तो ये बैटिंग पिच है, क्योंकि यहाँ पे 2 मैच हुए हैं रिसेंटली वर्ल्ड कप 2022 के ही, जिम्बाब्वे वर्सेज नीदरलैंड। बट टीम पे भी डिपेंड होता है, मतलब कि यहाँ पे देखा जिम्बाब्वे ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके 117 रन बनाया था और नीदरलैंड चेस करते हुए 120 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, मतलब मैच को विन कर लिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने रिसेंटली ही इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच हुआ इस ग्राउंड पर, इंडिया ने 184 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके 20 में। और फिलहाल बारिश हुई, बारिश की वजह से कंप्रोमाइज किया गया, 151 रन का लक्ष्य रखा गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट में। अब बांग्लादेश ने 145 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, मैच को हार गई थी, मतलब समझ लीजिए क्योंकि बारिश हो गई थी। और बारिश होने के बाद आपको पता है यार बॉलिंग किस प्रकार से होने लगती है और बैट्समैन को मारना कितना मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, बैटिंग पूरी तरीके से होने वाली है, पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हार्दिक पांड्या, हरदीप सिंह और मुस्तफिजुर रहमान साकिब अल हसन ने स्पिनर है, तो फिलहाल उन्होंने 2 विकेट, हसन महमूद पेस बॉलर्स हैं उनको भी विकेट मिली यहाँ पे 3 विकेट, तो मतलब यार पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और हेड टू रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, लास्ट के 3 ईयर्स में इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें न्यूजीलैंड ने ही 3 विन किए हैं, आयरलैंड ने एक भी मैच नहीं विन किया है हेड टू हेड में, तो आप समझ सकते हैं यार वन साइडेड मैच होने वाला है। बट अभी फिलहाल जो आयरलैंड की टीम है आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो वहाँ के बॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे कि MC कार्ते हो गए, जो एसोलिटी लोग हैं वो सारे के सारे, बाकी पेस पिच भी है। बाकी बैटिंग के हिसाब से देखेंगे तो बैटिंग तो वैसे भी बढ़िया होने वाली है यहाँ पे इस ग्राउंड पे। और दोस्तों अगर प्रेबल प्लेइंग के बारे में बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो फिलहाल फिन एलन डेविन कॉनवे ओपन करने वाले दोनों के दोनों। फिन एलन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 मैच में 59 रन है, 19 का एवरेज से रिसेंटली इन्होंने रन बनाए हैं, और एक मैच में काफी अच्छा रन बनाया था, कोई 40 प्लस रन थे, बाकी 2 मैचेस में तो फ्लॉप ही है। हेड वर्ड की बात करते हैं, 3 मैचेस में 50 रन है, ठीक है, आयरलैंड के अगेंस्ट में 16 का एवरेज है, कुछ खास नहीं, फ्लॉप है, बट बैटिंग पिच है और कुछ अच्छा करके जाएंगे फिन एलन। टीम में एक में आप जरूर रख लीजिए, कैप्टन भी आप रिस्की रहेंगे बट चूज कर लीजिएगा, बाकी अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिन डेविन कॉनवे पिक करेंगे गाइस, अभी फिलहाल के लिए आप ड्रॉप कर दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगा पूरे एनालिसिस देखने के बाद। डेविन कॉनवे 3 मैच में 96 रन है, 48 का एवरेज है, रिसेंटली फ्लॉप थे, हेड टू हेड में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, वेन्यू पे एक भी मैच इन्होंने नहीं खेला, बट ये बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में 53 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, 20 इनिंग में बात करते हैं 49 की, तो मतलब दोनों तरफ से बढ़िया कर रहे हैं यार, तो आप अपनी टीमिंग को रख लीजिए। केन विलियमसन की बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे 3 मैचेस में 71 रन 23 का एवरेज है, हेड टू हेड में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है। और अगर हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की रिसेंटली, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब एक हिसाब से सही कर रहे हैं, एवरेज 27 के इनिंग फर्स्ट इनिंग में, 20 इनिंग में बात करते हैं तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे 39 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब चेस काफी बढ़िया करते हैं विराट कोहली के जैसे, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बाकी बता रहा हूँ कि मतलब काफी अच्छा टाइम स्पेंड खेल जाते हैं, तो उस हिसाब से केन विलियमसन को
और रख लीजिए आप इस बैटिंग में। बाकी ये भी कह रहा हूँ कि यार बैटिंग हिटर के लिए बढ़िया है, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा रोहित शर्मा इस ग्राउंड पे नहीं चले, बाकी सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, केएल राहुल बढ़िया कर पाए हैं, लिटन दास भी एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मतलब हिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उस हिसाब से क्या करना है, केन विलियमसन को आप ड्रॉप कर दीजिए, ग्लेन फिलिप्स को आप पिक करिए, क्योंकि भाई हिट करने वाले ही प्लेयर को हम रखने वाले इस मैच में पहले ही ग्रैंड लीग टीम में। ग्लेन फिलिप्स 3 मैचेस में 174 रन बनाए हैं, 59 का एवरेज है अभी तक फिलहाल, और हेड टू हेड में 3 मैच खेले हैं आयरलैंड के अगेंस्ट में, 148 रन बनाए हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, मतलब एक 3 मैचेस में 148 रन, और मतलब बढ़िया रहेगा टीम में, आप इनको रख लीजिएगा। इस एवरेज फर्स्ट इनिंग में 40 के एवरेज से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में अगर हम बात करते हैं तो 22 का फर्स्ट इनिंग इनका बढ़िया रहता है, तो बट यहाँ पे टीम में आप इनको जरूर ट्राई करिए, और इस मैच भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, रिसेंटली मैंने वाइस कैप्टन रखा था, ठीक है, जो इंग्लैंड से मैच हुआ था, बट मैच विन नहीं कर पाए थे, बट यार ग्लेन फिलिप्स ने एक बढ़िया पारी खेली थी, ग्लेन फिलिप्स को आप रख लीजिए। मिनिसम को अगर हम बात करते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, और हेड टू हेड में देखते हैं तो हेड टू हेड में भी 3 मैचेस में 53 रन है, कुछ खास नहीं है, तब जे मिनिसम को ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे स्पेल को और भी नहीं करा रहे हैं। डेरी मिशेल 2 मैचेस में 25 रन है, 12 का एवरेज है अभी रिसेंटली वाले मैचेस में, अगर 3 मैचेस बात करते हैं 67 रन बनाए हैं आयलैंड के अगेंस्ट में, 22 का एवरेज है, हेड टू बॉलिंग भी कराए थे, 2 इनिंग में 1 विकेट भी इनको मिली थी आयलैंड के अगेंस्ट में, बट अभी स्पेल को और नहीं करा रहे हैं, बट पार्ट टाइम बॉलर्स हो सकता है कि विकेट बॉलर्स अगर मिलते हैं स्पेल को और तो विकेट मिल भी सकती हैं, बट यार टीम में रखने की बात करेंगे इस तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी इनको ड्रॉप करिए, क्योंकि हम फिनल का जगह बनाने वाले फिनल को टीम में रखने वाले हैं दोस्तों। मिशेल सैंडर की अगर बात करते हैं तो ये टीम में रहेंगे ही, ठीक है दोस्तों, टीम में ये रहने वाले ही हैं, भले ही स्पिनर हैं, स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं है तो क्या हुआ, बढ़िया पेस बॉलर्स से बढ़िया ये परफॉर्मेंस करके देते हैं आपको, आपने देखा है, इसलिए अगर हम बात करते हैं 3 मैचेस में 3 इनिंग में 2 विकेट है हेड टू हेड के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब आयरलैंड के अगेंस्ट में, और रिसेंटली परफॉर्म 3 मैचेस में यहाँ पे ये 6 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं, और टीम में आप इनको रख भी सकते हैं। इस सोती की बात करें स्पिन बॉलर्स हैं, और रिसेंटली 3 मैचेस में ये 4 विकेट लेकर के जा रहे हैं दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं हेड टू हेड में 3 इनिंग में 6 विकेट, ओ भाई, मतलब कि आयरलैंड के अगेंस्ट में सबसे बढ़िया इस सोती है, तो यार इस सोती को आप यहाँ पे रख लीजिए अपनी टीम में। और एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ कि आयरलैंड की जो बैटिंग लाइन है गाइस कमजोर है, तो उस हिसाब से आप इस सोती को रखिए, भले ही स्पिनर हैं तो क्या हुआ। एंड उसके बाद 3 साउथ है जो कि पेस बॉलर्स हैं, और रिसेंटली 3 मैच खेले इन्होंने, 5 विकेट हैं, और अगर हम बात करते हैं हेड टू हेड में तो 1 भी मैच इन्होंने नहीं खेला, बट यार टीम में रखने लायक प्लेयर रहेंगे, भले ही बैटिंग पिच है तो क्या हुआ, जिस हिसाब से आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप है तो कमजोर है, तो भाई आप यहाँ पे जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, टीम साउथी को आप रख सकते हैं। लोकी फर्गुसन की हम बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं। हेड टू हेड में अगर हम देखते हैं तो 2 मैच में 2 इनिंग में 5 विकेट हैं, मतलब लोकी फर्गुसन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस सोती लोकी फर्गुसन आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में कर सकते हैं, बढ़िया रहेंगे और आपको अच्छा पॉइंट्स दे करके जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट को सभी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रख रहे थे रिसेंटली टीम में, मैंने क्या कहा था प्रेडिक्शन में कि फ्लॉप है बिल्कुल, और क्या हुआ 1 विकेट भी नहीं मिले इनको इंग्लैंड के गेस्ट में, ठीक है, ध्यान दिया होगा आपने। और इस मैच अगर हम बात करते हैं तो हेड टू हेड में 1 भी मैच इन्होंने नहीं खेला है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिलहाल इस मैच में हो सकता है कि 1 विकेट मिले और नहीं भी मिल सकती, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आयरलैंड के गेस्ट में लोकी फर्गुसन इस सोती ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आयरलैंड के इस मैच में, और देखिएगा 2 विकेट करके ये लेकर के जाएंगे, मतलब 1+ विकेट लेकर के जाएंगे दोनों, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस आपने देखा है किस प्रकार से, बेंच प्लेयर ये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरलैंड के पवेल पिलिंग के बारे में, तो गाइस यहाँ पे पॉल स्टिंग एंड बिल ब्रायन ये दोनों के दोनों ओपन करने वाले हैं। पॉल स्टिंग देख रहे हैं 6 मैचेस में 26 के एवरेज से खेले हैं, 133 रन बनाए हैं, 3 मैचेस हेड टू हेड खेले हैं जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, 74 रन 22-24 का एवरेज है, मतलब कि टीम में रखने लायक होंगे, बट कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी आप ना ट्राई करें। फर्स्ट इनिंग में गाइस दोस्तों अगर हम बात करें तो 46 के एवरेज से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में अगर बात करते हैं 27 के एवरेज से, तो टीम में यार रखने लायक तो रहेंगे ही, मतलब कि आप रख लीजिए क्योंकि बैटिंग पिच है, हिटर बैट्समैन है भाई, हो भी सकता है कि ज़्यादा रन मार दे, तो पॉल स्टिंग को आप रख सकते हैं। एंड बिल ब्रायन की अगर बात करते हैं दोस्तों 6 मैचेस में 123 रन है, 20 के एवरेज है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेड टू हेड में तो 3 मैचेस उन्होंने खेले 32 रन बिल्कुल फ्लॉप हैं, तो इस मैच में आप एंड बिल ब्रायन को ड्रॉप कर दीजिए। लोकन टकर अगर हम बात करते हैं दोस्तों फिलहाल यहाँ पर रिसेंटली आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी पारी खेली है न्यूजीलैंड को, सॉरी जो कि अभी रिसेंटली खेल करके आ रहे हैं, 71 रन की पारी खेली थी आपने देखा। एंड अगर हम बात करते हैं 6 मैचेस में इन्होंने 191 रन 47 का एवरेज, मतलब बढ़िया बल्ला चल रहा है, विकेट के सेक्शन से आपको मिल जाते हैं ये। एंड हेड टू हेड की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्लॉप है, 3 मैचेस में 41 रन बनाए हैं, 13 का एवरेज है न्यूजीलैंड के गेम्स में, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात रहेगी गाइस, आप यहाँ पे मतलब रिसेंटली परफॉर्मेंस देख करके लोकन टकर का कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मैं चूज करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्की रहने वाले टीम से चाहें तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट चलिए कोई ना हम टीम में रख लेते हैं, ठीक है। हैरी टेकर की हम बात करते हैं 6 मैचेस में 66 रन है, 13 का एवरेज कुछ खास नहीं, और हेड टू हेड की बात करते हैं 3 मैचेस में 30 रन है, एवरेज 10 का है कुछ खास नहीं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं।
और कुछ एवरेज अगर हम देखते हैं तो गाइस तो ठीक भी नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग 20, मतलब बैट्समैन बढ़िया है बट यार क्या ही पता है, कुछ तो गड़बड़ है बंदे के अंदर भी जो कि रन नहीं मार रहा। कैटिस कैंपर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, 6 मैचेस में यहाँ पे 119 रन है और 29 की ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं, 2 विकेट भी इनको मिले हैं 6 मैचेस में रिसेंटली वाले में। हेटवर्ड बैटिंग अगर बात करते हैं 3 मैचेस में 62 रन बनाए हैं, 31 का एवरेज है, तो भाई टीम में आप कैटिस कैंपर को जरूर रखें। हेटवर्ड बॉलिंग की बात करते हैं 3 इनिंग में 1 विकेट लेकर के जा रहे हैं, तो मतलब इस टीम में आप जरूर रख लीजिए कैटिस कैंपर को अपने। और फिलहाल उसके बाद यहाँ पे जज डॉक्लर आपको मिलते हैं, अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों तो फिलहाल यहाँ पे देखें 6 मैच में 77 रन है, 19 का एवरेज है एंड पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं, 1 विकेट इनको मिल रही है। और हेटवर्ड में बात करते हैं 3 मैचेस में अगर हम बात करते हैं 125 रन है, कुछ खास कह सकते हैं आप 125 रन। और जॉर्ज डुगलो अगर बैटिंग मिलती तो इस मैच में बढ़िया कर जाएंगे, 3 इनिंग में 2 विकेट भी लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए अगर यहाँ पे हम एडे ब्रायन को ड्रॉप करते हैं, हैरी टेक्टर को ड्रॉप कर रहे हैं या तो आप लगन टक्कर को ड्रॉप करते हैं, तो गाइस जॉर्ज डुगलो को आप इस मैच में ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है बैटिंग में, मतलब ठीक ठाक रन मार देगा। ग्रेट रनिंग की हम बात करते हैं दोस्तों तो फिलहाल यहाँ पे राइट हैंडेड बैट्समैन है और उसके बाद यहाँ पे 6 मैचेस में उन्होंने 59 रन बनाए हैं, 4 विकेट भी ली है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 3 में अगर देखते हैं तो रन तो कुछ ठीक नहीं है, 3 इनिंग में 2 इनिंग में कोई भी विकेट इनको नहीं मिली है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो यार ड्रॉप कर दीजिए। हेटवर्ड में मार्कडेल जो कि टॉप प्लेयर रहने वाले हैं, मतलब कि सभी के टीम में ज़्यादातर मौजूद रहेंगे, बट अगर परफॉर्मेंस देखते हैं कि दोस्तों तो फिलहाल इन्होंने 6 मैचेस में रिसेंटली 3 विकेट निकाली है। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात करते हैं हेटवर्ड में, तो 3 इनिंग में 2 विकेट हैं, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते आप, और बैटिंग पिच है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं अपने टीम से। फियोन हन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों फिलहाल 2 मैचेस में 1 विकेट है, रिसेंटली वाले कोई विकेट नहीं मिली है, तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं हेटवर्ड की, तो हेटवर्ड में एक भी मैच इन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने नहीं खेला है। एंड अगर हम टीम की बात करते हैं रखने की, तो आप यार फिलहाल ड्रॉप करिए, बैटिंग पिच है, ज़्यादा रिस्क हमको नहीं लेना बॉलर्स के ऊपर, बैट्समैन के साथ हमें जाना है। बैरी एमसी कार्थी दोस्तों, तो अगर हम 6 मैचेस में देखते हैं इनका परफॉर्मेंस, तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस रिसेंटली वाले मैचेस में कर रहे हैं, विकेट लेकर के जा रहे हैं, बहुत कम लोग टीम में रखते हैं, पेस बॉलर्स हैं, तो चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं या पिक भी कर सकते हैं हेटवर्ड में, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है, 3 इनिंग में कोई भी विकेट इनको नहीं मिल रही न्यूजीलैंड अगेंस्ट में, बट बहुत लोगों के कि अपने टीम में इनको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब पिक कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने टीम से आप इनको ड्रॉप करिए। ठीक है दोस्तों, जोस लिडी की बात करते हैं, ये बैटिंग पिच है खास करके, और 6 मैचेस में इन्होंने 8 विकेट रिसेंटली वाले ली है, 3 इनिंग में भाई 8 विकेट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जोस लिडिल का। तो जोस लिडिल इस सोती लकी फर्गूसन, ये जो कि गाइस 3 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि आपके टीम में होने चाहिए, ट्रम्प कार्ड बॉलर्स होंगे, और ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हैं। देखिए जोस लिडिल को भी 3 इनिंग में 8 विकेट लेकर के जा रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा जो कि यही रहने वाले हैं जो कि न्यूजीलैंड टीम के लिए। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा रिसेंटली इनके बेंच प्लेयर की, तो फिलहाल देख सकते हैं और हेटवर्ड रिकॉर्ड्स की, देखिए ग्लेन फिलिप्स बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 3 मैचेस में 148 रन बना रहे हैं, और तो आप इनको टीम में अपने रखिए ग्लेन फिलिप्स को। जेम निसम की बात करते हैं 53 का एवरेज है हेटवर्ड में, और उसके हिसाब से ये भी बता रहे कि बैटिंग मिल भी नहीं रही दोस्तों, तो मतलब जेम निसम को आप ड्रॉप करेंगे। इस होती 3 में 6 विकेट लेकर के जा रहे हैं 3 मैच में, ले लीजिए। लॉकी फर्गूसन 2 में 5 विकेट लेकर ले लीजिए। कर्टिस कैंपर 31 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, ले लीजिए। जोस लिडिल की हम बात करते हैं 3 इनिंग में 8 विकेट लेकर के जा रहे हैं, ले लीजिए भाई। ये जो कि आपके पास प्लेयर हैं जेम निसम को छोड़ करके, आप इन 5 प्लेयर के साथ बिल्कुल जरूर जाएं, ये आपके काफ़ी बढ़िया होने वाले। टॉप डिसमिसल जो कि अगर देखते हैं फिनलैंड को, देखिए जोस लिडिल को, फिनलैंड को मैंने क्यों ड्रॉप कर रखा है अभी तक, क्योंकि जोस लिडिल का परफॉर्म देखिए 7 बॉल में 2 बार आउट कर चुका है, ठीक है, फिनलैंड को, तो इसलिए मैंने फिनलैंड को ड्रॉप कर रखा, क्योंकि अगर आप देखते हैं न्यूजीलैंड के गेम में बढ़िया परफॉर्मेंस है, पहला ही ओवर लेकर के आ जाएंगे ये, और फिनलैंड के लिए मतलब पावर प्ले लेकर के आएंगे ओवर, और पावर प्ले में फिनलैंड सामने रहेगा, तो भाई दिक्कत हो सकती है, इसलिए ड्रॉप कर सकते हैं फिनलैंड को। और जिस टीम में अगर जोस लिडिल को आप वाइस कैप्टन बना रहे हैं, कैप्टन बना रहे हैं, तो यार फिनलैंड को फिलहाल भरोसा ना रखिए आप, क्योंकि 7 बॉल के अंदर 2 बार आउट करना बहुत होता है, 5 रन दिए हैं। डेरिन मिचेल को जोस लिडिल ने यहाँ पे 10 बॉल में 2 बार आउट किया, 15 रन दिए हैं, तो भाई दिक्कत की बात हो सकती है, समझ सकते हैं। पॉल स्टिंग के और लोकी फर्गूसन ने 11 बॉल में 2 बार आउट किया है और 7 रन दिए हैं, तो मतलब ये जो कि आप समझ सकते हैं लोकी फर्गूसन जोस लिडिल, ये 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि काफ़ी टॉप बैट्समैन को आउट कर सकते हैं इस मैच में, तो भाई इनको आप कैप्टन विच कैप्टन कर सकते हैं। बाकी बैटिंग पिच है, देखते हैं क्या होता है और मेरी टीम क्या होगी, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मेरी टीम जो कि बन गई है, अब हम दिखाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, ये देख लीजिए मैंने जो सिलेक्शन बताया था आप लोगों को इस प्रकार से, देखिए लोकल टक्कर, डेविन कॉर्नर, ग्लेन फिलिप्स,
पॉल स्टर्लिंग, केन विलियमसन, कर्टिस कैंपर, मिचेल सैंडर, जोस लिटिल, टिम साउथी, स्टोथी, लुकी फर्गुसन। ठीक है दोस्तों, एक टीम में आपको क्या करना है, इस प्रकार से मैंने परफॉर्मेंस बताया, जोस लिटिल का परफॉर्म बढ़िया है, बट जोस लिटिल को जिसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे दोस्तों, तो फिलहाल क्या करना है आपको, ग्लेन फिलिप्स और फिलहाल डिविन कॉनवे, केन विलियमसन को भी आपको ड्रॉप कर देना है फिर। ठीक है, कि मैं आपको बता रहा हूँ केन विलियमसन को आपको ड्रॉप करना है, किसको रखना है, डॉकरेल के बारे में मैंने बताया था कि बढ़िया कर सकता है, तो यहाँ पे आप डॉकरेल को पिक कर लीजिए, क्योंकि बैटिंग यहाँ पे मिलेगी, एंडे को आप ड्रॉप करते हैं तो डॉकरेल को आप जरूर ट्राई करके चाहें, या तो डेरिल मिचेल को भी रख लें, क्योंकि डेरिल मिचेल का भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो क्या करना है आपको, डॉकरेल को रख लिया आपने। अब यहाँ पे आप क्या करना है, जोस लिटिल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस 3 में 8 विकेट है हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के गेंस में, तो आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। कैप्टन किसको बनाएंगे दोस्तों, आप कैप्टन यहाँ पे फर्गुसन या स्टोथी को बना दीजिए, इस मैच की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस मैच में एक ग्रैंड लीग टीम आपको इस प्रकार से जाना है, और दूसरी ग्रैंड लीग टीम कैप्टन वाइस कैप्टन वो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट वहाँ पे मेरा रहता है। ये मेरी एक टीम होगी ग्रैंड लीग की, दूसरे में क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन के दोस्तों, बैटिंग पिचेस देखिए, डेविन कॉनवे और फिन इलेन को मैं यहाँ पे रख लूंगा, बैटिंग पिचेस आपसे बता रहा हूँ आपको, और फिन इलेन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन डेविन कॉनवे को रखूंगा, भले ही यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहने वाले हैं, मगर रख लूंगा मैं। एंड तीसरी टीम जो कि हमारी होगी कैप्टन वाइस कैप्टन की, देखिए फर्गुसन का भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, फर्गुसन को मैं वाइस कैप्टन कर दूंगा, या तो डेविन कॉनवे के साथ इनका कॉम्बिनेशन कर दूंगा, या तो ग्लेन फिलिप्स के, बट क्या परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, कैप्टन एंड यहाँ पे फर्गुसन वाइस कैप्टन। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पहली टीम होगी, आप जाइए इससे, और बाकी 4 टीम जो और होंगी वो टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।